अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हकीम शहीर इरशाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हकीम और हिकमत। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सालम पंजा। दोस्तों, सालम पंजा का मिजाज गर्म तर है और दर्जा अव्वल है। ये मकवी बा है, मर्दाना ताकत के लिए बहुत बेहतर है। ये मुगल से मनी है, मनी को गाढ़ा करती है, मर्दाना ताकत बढ़ाती है और इसके अलावा जो आसावी कमज़ोरी के लोग हैं आसाब को ये ताकत देती है और इसके अलावा पट्ठों को ताकत देती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं उनके लिए यह सुपर टॉनिक है। दोस्तों, ये जैसे मैंने कहा कि पट्ठों को कुव्वत देती है, तो इसके हवाले से जो जोड़ों के मरीज़ हैं, जो घुटनों के दर्द है और इसके अलावा कमर दर्द है, तो इन सब के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि ये इसका मिजाज गर्म तर है, तो इसके लिए ये उसको वो ताकत देगी। ये कुव्वत बढ़ाती है, मर्दाना ताकत बढ़ाती है, ये मौलिद मनी है और जिस्म को फरबा करती है। ऐसे लोग जो बहुत ही स्लिम और हैं और जिनका गोश्त नहीं बनता, जिस्म नहीं बनता, वो परेशान रहते हैं अपने सकड़ेपन की वजह से, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। दोस्तों, आज हम एक नुस्खा आपको बताएंगे मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, और वो मकवी बा है और बेहतर है आपके लिए। ये सस्ता भी है इंशाल्लाह। इसकी मकदार खुराक की आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। नुस्खा ये है कि सालम पंजा 20 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, सतावर 20 ग्राम, अजगद नागोरी 20 ग्राम। इसके अलावा आप मूसली स्याह भी इसमें डाल सकते हैं, तो ये एक नुस्खा बना लें। इसके साथ आप तुख में रेहान भी 20 ग्राम डाल दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप इसको और अच्छा करना चाह रहे हैं तो इसमें छोटी इलायची 5 ग्राम इस्तेमाल कर लें इंशाल्लाह। इसे ग्राइंड करके या